हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने फिलिप सिडनी को कंप्लीट किया था विद हिज मेजर वर्क, लिटरेरी वर्क था एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। सो उसको डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल है वो स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज नैट, गेट, एसटेट, एंट्रेंस ऑफ द पीएचडी, सभी एग्जाम्स के लिए है। सो यहाँ मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री है उसको शुरू किया है। स्टार्टिंग से मैं एंड तक इसको पोस्ट मॉडर्न, टिल पोस्ट मॉडर्न तक करवाऊंगी और बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं इसको। हमने जो 2 ईयर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ मैं बता दूँ, मैंने लिटरेरी थ्योरी है, जो लिटरेरी थ्योरी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम। स्पेशली हम नेट की बात करें तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन वी कैन से इन ईच एग्जाम ऑफ द नेट वो आते हैं। मतलब 20 से जो 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो लिटरेरी थ्योरी से ही मिलेंगे। और इसको मैंने बहुत ही डीप में, डिटेल में विद क्वेश्चन आंसर करवाया है। तो अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके लिटरेरी थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें नियरली 50 के लगभग जो क्लासेस हैं वो मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए की है, ठीक है। सो नेक्स्ट, मैंने लास्ट क्लास में हमने फिलिप सिडनी को किया था कंप्लीट। अब मैं जो नेक्स्ट जो ड्रामेटिस्ट है मेरी यूनिवर्सिटीविस्ट ग्रुप है एलिजाबेथ नेज में, इसको प्री शेक्सपियरियन भी बोलते हैं। प्री शेक्सपियरियन भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये शेक्सपियर से पहले इन्होंने स्टार्ट किया था ड्रामा लिखना। क्योंकि एलिजाबेथ ने इसमें जो प्ले राइटर है मेनली सबसे फेमस जो माने जाते हैं इंग्लिश प्ले राइटर दैट इज विलियम शेक्सपियर। सो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने विलियम शेक्सपियर को बहुत ही डीप में करवा रखा है। यहाँ मैं एलिजाबेथ ने इसमें विलियम शेक्सपियर को अवॉइड करूंगी क्योंकि मैंने उसके सभी वर्क को बहुत ही डिटेल में करवाया है और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर के नाम से। तो वहां जाइए, मैंने कम से कम 20 से 22 या 5 क्लासेस हैं उसमें विलियम शेक्सपियर, ओनली विलियम शेक्सपियर उसके वर्क को कंप्लीट किया है। तो यहाँ मैं यूनिवर्सिटी विट्स के बाद विलियम शेक्सपियर को नहीं करवाऊंगी क्योंकि उसको मैंने डिटेल में किया है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी विट्स और प्री शेक्सपियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शेक्सपियर से भी पहले ये ग्रुप ऑफ प्ले राइटर थे जिन्होंने प्ले लिखना शुरू किया था, जिन्होंने मतलब प्ले काइंड ऑफ ड्रामा लिखना शुरू किया था, ठीक है। सो व्हाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहे जाते हैं, क्या रीजन है। सो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी विट्स आर द ग्रुप ऑफ प्ले राइटर और ड्रामेटिस्ट हु वर राइटिंग इन द 16th century, जो 16th century में लिख रहे थे और ये प्ले राइटर्स या ड्रामेटिस्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है, ड्रामेटिस्ट। दे वर राइटिंग इन द 16th century एंड दे आर एजुकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। सो ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। मतलब इसमें टोटल जो यूनिवर्सिटी विट्स है उसमें 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड दे ऑल 7 मेंबर बिलोंग्स टू द आइदर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और आइदर और द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो यहाँ से पढ़े लिखे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेनली इसमें जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है वो है क्रिस्टोफर मार्लो, क्योंकि आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ वो अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि विच ड्रामेटिस्ट बिलोंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, या ऑक्सफोर्ड। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस लॉन्ग नेस इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ये है जॉन लीली, जॉर्ज पिल्ली,
थॉमस लोग एंड थॉमस लोग इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. सो यहाँ थ्री कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, थ्री ऑक्सफोर्ड से, वन रिमेनिंग दैट इज थॉमस कीड. थॉमस कीड की बात करते हैं हम. सो थॉमस कीड है, ही इज नाइदर बिलोंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड नोर टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. सो वो इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा नहीं है. सो व्हाई ही इज इंक्लूड इन द यूनिवर्सिटी मीट्स, तो इसको यूनिवर्सिटी मीट्स में इंक्लूड क्यों किया जाता है, क्यों बोला जाता है इसको भी यूनिवर्सिटी मीट्स के अंदर. जब भी नाम लेते हैं तो थॉमस कीड का नाम भी इनमें शामिल है. तो इसका जो मेनली जो इसका वर्क था थॉमस कीड का, दैट कंटेन द सेम काइंड ऑफ फीचर्स और एलिमेंट्स एज द वर्क ऑफ लाइक क्रिस्टोफर मार्लो और जो जॉन लिली था, इनका वर्क जो सेम काइंड की फीचर्स थी वो थॉमस लोग है, वो भी उसी काइंड की फीचर्स, उसके उसी काइंड के जो एलिमेंट्स थे वो सेम उसके वर्क में भी पाए जाते थे. ठीक है. और ये जो थॉमस कीड था, यूनिवर्सिटी विट्स थे मेनली, क्रिस्टोफर मार्लो है, इसको ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, इसको ड्रामा का फादर बोला जाता है, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द ब्लैंक वर्स इन हिज प्ले. सो इससे पहले ब्लैंक वर्स था, वो मेनली जैसे कि थॉमस वियात ने इसको पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम में ब्लैंक वर्स को किस में यूज किया था, प्ले में यूज किया था ब्लैंक वर्स. ओके. सो इन्होंने ब्लैंक वर्स को प्ले में यूज किया था, तो उसके बाद ये एक ट्रेडिशन बन गई थी कि इसके बाद जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट प्ले राइटर हुए थे, जो जिसको इंग्लैंड का पोइट बोलते हैं विलियम शेक्सपियर, उन्होंने भी सेम काइंड की जो पोइटिक स्टाइल थी, मतलब उन्होंने भी ब्लैंक वर्स को उनके जो प्ले हुए थे बहुत ज़्यादा उसमें यूज किया. उसके बाद जितने भी पोइट और प्ले राइटर हुए उन्होंने ब्लैंक वर्स को अपने यूज अपने प्ले में इंक्लूड किया था. तो इसके बाद मतलब क्रिस्टोफर मार्लो के बाद ये एक ट्रेडिशन बन गया था कि लोग जो पोइट हुए थे इसके बाद जो प्ले राइटर हुए थे वो ब्लैंक वर्स को पोइट्री की बजाय उन्होंने प्ले में यूज करना शुरू कर दिया, मतलब प्ले को वो ब्लैंक वर्स में लिखते थे. ठीक है. अब इनकी जो मेन फीचर्स क्या थी यूनिवर्सिटी विट्स की, इनके वर्क की, तो इनका वर्क था वो सीनिका जो फिलोसोफर है रोमन, सीनिका एक पोइट है, रोमन पोइट और फिलोसोफर. ही इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी विच बिलोंग टू रोम. ठीक है. रोमन पोइट है ये, फिलोसोफर है सीनिका. सो इनके वर्क से काफी इंस्पायर्ड था, इनकी जो ट्रेजेडीज थी सीनिकास की. सो सीनिका जो की जो ट्रेजेडीज थी, इनकी ट्रेजेडी इनके वर्क से काफी इंस्पायर्ड था क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, या फिर इसकी बात करें थॉमस लोग. सो ये काफ़ी इंस्पायर थे, इनका वर्क में जो एलिमेंट्स पाए जाते थे, जो थीम्स थी लाइक कि ब्लड सर्ड होता था, बहुत ज़्यादा वायलेंट होता था, डेथ होती थी, या मर्डर्स के सीन दिखाए जाते थे. ठीक है. तो ये सब जो होता था वो सेम काइंड ऑफ की फीचर्स थी वो थॉमस लोग थे इसके प्ले में भी पाई जाती थी. ठीक है. थॉमस लोग का जो प्ले था, जो ट्रेजेडी थी हाइमिमो वाली, ठीक है, वो सेम काइंड ऑफ ट्रेजेडी थी, वो सीनिकन प्ले से इंस्पायर थी, ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी थी. ठीक है. तो ये जो सेम काइंड फीचर्स थी वो सभी इन राइटर्स की जो ट्रेजेडी लिख रहे थे इनकी ट्रेजेडी में सेम काइंड की फीचर्स थी. सो ये इनका वर्क था वो सीनिकन राइटर से काफी इंस्पायर था. ठीक है. सेकंड है, ऐसा माना जाते है कि विलियम शेक्सपियर जिसको इंग्लैंड का पोइट माना जाता है, He was also inspired by this group of writer. मतलब यूनिवर्सिटी विट्स में जो स्पेशली जो क्रिस्टोफर मार्ले, थॉमस लोग एंड जॉन लिली थे, इनसे इनके वर्क से काफी इंस्पायर थे. और हेमलेट है वो थॉमस लोग की जो ट्रेजेडी है, ठीक है, उससे काफी इंस्पायर था, उससे इंस्पायर होके ही ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लिखा था. ठीक है. सो अब जो जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जैसे मेनली जो ट्रीम है यूनिवर्सिटी विट्स, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स ट्रीम है वो किसने यूज किया, किसने क्वाइन की, तो ये भी आप लिख लो. इट इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो जॉर्ज सेंसबरी थे, जॉर्ज सेंसबरी, ठीक है, इसको बोला जाता है
ही वॉज द पर्सन टू यूज द फर्स्ट टाइम द ट्रेन यूनिवर्सिटी विट्स. तो यूनिवर्सिटी विट्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब 16 सेंचुरीज में लिखना शुरू किया था तभी से उनको ये ट्रेन मिल गई थी. नहीं, उसके बाद ये जॉर्ज सैंसबरी थे जिन्होंने 19 सेंचुरीज में जाके इन ग्रुप ऑफ जो प्ले राइटर थे इनके लिए ये ट्रेन यूज की थी यूनिवर्सिटी विट्स. बिकॉज ऐसा माना जाता था कि वे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उनको जो हमारे जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनमें इंक्लूड किया जाता है. तो यहाँ से पढ़े लिखे जो पोइट्स होते हैं या जो भी स्कॉलर्स हैं दे वर वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है, तो मोस्टली हम जो ब्रिटिश पोइट या प्ले राइटर जो भी होते हैं हम देखते हैं वो मोस्टली इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि यहाँ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए हैं वो उन्होंने उनके वर्क में सेम काइंड ऑफ एलिमेंट पाया जाता था. तो जॉर्ज सैंसबरी थे इन्होंने इन ग्रुप ऑफ प्ले राइटर्स के लिए ट्रिम 19 सेंचुरीज में जाके ये ट्रिम यूज किया था. ठीक है, ये नहीं था कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया था उस टाइम में इनके लिए ये ट्रिम है वो यूज किया जाता था, तब ये ट्रिम यूज नहीं किया जाता था, बाद में जाके यूज हुआ है इनके लिए. ठीक है, तो ये था यूनिवर्सिटी विट्स ऑफ राइटर. डिटेल में मैंने आपको बता दिया. सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें 7 मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स में. उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 3 हैं. आपको याद रखना है इनकी नेम. ठीक है, 2-3 बार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मेंबर्स इंक्लूड इन द यूनिवर्सिटी विच आर एजुकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और द ऑक्सफोर्ड. तो आपको अलग अलग एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये देख लेना है जो लीली लीली पीली सेम जो राइटिंग आ रही है दे आर एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम है क्योंकि इसका जो वर्क है वो काफी मतलब फेमस है और क्रिस्टोफर मार्लो एक बिग इन सब में एक बिग प्ले राइटर माना जाता है. ठीक है, तो ड्यू टू हिज ब्लैंक वर्क्स क्योंकि इसने एक नया चलन ट्रेडिशन शुरू किया था कि प्ले में इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को यूज किया था तो इसलिए. ठीक है, सो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस लोग हैं, ये सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं. और एक रह जाता है, ये आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, थॉमस कीड है, नाइदर इज बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और नॉर ऑक्सफोर्ड. तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनमें से कौन सा मेंबर है जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता. तो ही इज थॉमस कीड. थॉमस कीड है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते. ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है इनका जो वर्क है मेनली जो सीनिका पोइट थे, रोमन पोइट, ग्रीक फिलोसोफर, उनके वर्क से काफी इंस्पायर है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में चलते हैं. कल की क्लास में हम एक एक को लेंगे. जैसे कल हम क्रिस्टोफर मार्लो को लेते हैं, इसका वर्क है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं इसके वर्क से, तो हम उसको डिटेल में करेंगे. सो गाइज प्लीज टेल मी, डू कमेंट, आपको मेरी जो क्लासेस हैं वो कैसी लग रही हैं. ठीक है, आप कमेंट जरूर किया कीजिए. कमेंट के बगैर पता ही नहीं चलता कि क्लासेस आप लोगों को देखने के बाद कैसी लग रही है और कैसी नहीं. सो प्लीज डू कमेंट.